वेलकम व्यूअर्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन योर 8th चैप्टर द क्लॉथिंग मैन। जो आपका 8th चैप्टर है जिसका नाम है द क्लॉथिंग मैन, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस चैप्टर लाइन बाय लाइन इन दी एज यू हैव टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो फ्रेंड्स, आपका चैप्टर स्टार्ट होता है, बॉर्न इन मेरठ अंशु गुप्ता इज द एल्डेस्ट ऑफ फोर चिल्ड्रेन। बॉर्न इन मेरठ, मेरठ में पैदा हुए अंशु गुप्ता इज द एल्डेस्ट ऑफ फोर चिल्ड्रेन। अंशु गुप्ता चार बच्चों में सबसे बड़े हैं। हिज फादर वॉज इन द मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस। इनके पिता मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में थे। एन अलाइड ब्रांच ऑफ आर्म्ड फोर्स, जो कि एक सहयोगी शाखा है सशस्त्र बल की, सेना की एक सहयोगी शाखा है इंजीनियरिंग, मिलिट्री इंजीनियरिंग, उनमें इनके पिताजी वर्क करते हैं। हिज फादर वाज इन द मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस। इनके पिता मिलिट्री के इंजीनियरिंग सर्विस में जॉब करते थे, जो कि सशस्त्र बल की एक शाखा है। अ चांस इनकाउंटर विद रेक्सा पुलर चेंज द कोर्स ऑफ अंशु गुप्ता लाइफ। अ चांस इनकाउंटर, संयोग से मिलना, विद रेक्सा पुलर, एक संयोग से एक रेक्सा पुलर से मिलना, चेंज द कोर्स ऑफ अंशु गुप्ता लाइफ, अंशु गुप्ता के पूरे जीवन में परिवर्तन ला दिया। देयर कम मोमेंट्स इन पीपल्स लाइफ, देयर कम मोमेंट्स, वहाँ पे एक पल आया, इन पीपल्स लाइफ, लोगों के जीवन में, विच प्रोवाइड, जो प्रदान करता है अंडरस्टैंडिंग, एक समझ को, एंड इनसाइट इन टू, और ज़्यादा गहरी समझ, इशूज, विषयों के बारे में, बिगर देन देमसेल्फ, जो कि उनसे बड़ी हैं। यानी एक ऐसा पल आता है जो लोगों के बारे में समझ पैदा करता है और साथ साथ लोगों से ज़्यादा उनके जो समस्याएं हैं उसके बारे में समझ पैदा करता है। जब दिस इज़ व्हाट हैपेंड, यही ऐसा हुआ टू अंशु गुप्ता, ऐसा ही अंशु गुप्ता के साथ हुआ। व्हेन ही मेट अ पर्सन, जब वो एक आदमी से मिले, हु पिक्ड अप अनक्लेम्ड डेड बॉडीज ऑन हिज रिक्शा, जो उठाता था अनक्लेम्ड डेड बॉडी, जो जिसपे कोई व्यक्ति दावा नहीं करता था, ऐसे मृतक शरीर को अपने रिक्शा पे उठाता था। दिस वर्क ऑन द रिक्शा पुलर 20 रुपीज, और यह काम रिक्शा पुलर को 20 रुपये कमाई करा देता था। यानी इस जब वो डेड बॉडी, रिक्शा पुलर जब डेड बॉडी को, अनक्लेम्ड डेड बॉडी को जब उठाता था, उसे 20 रुपये मिलता था। एंड 2 मीटर्स ऑफ क्लॉथ, 2 मीटर कपड़े मिलते थे। अंशु गुप्ता अंडरस्टूड डैट लाइक फूड एंड शेल्टर, क्लॉथिंग इज एसेंशियल रिक्वायरमेंट विच इज ऑफन इग्नोर्ड बाई मोस्ट एनजीओ। तो अंशु गुप्ता समझ गए डैट लाइक फूड, यानी फूड के समान, कपड़ों के समान, फूड के समान, घर के समान, जो कपड़ा होता है, जो क्लॉथिंग होती है, बहुत ही आवश्यक ज़रूरत होती है लोगों की, जो कि अक्सर एनजीओ के द्वारा इग्नोर कर दिया जाता है, अनदेखा कर दिया जाता है। अंशु गुप्ता लेफ्ट अ कॉरपोरेट जॉब इन 1988 एंड स्टार्टेड गूंज 1999 टू हेल्प द क्लॉथ अंडर प्रिविलेज एंड क्रिएट अवेयरनेस दैट क्लॉथिंग वाज बेसिक ह्यूमन राइट। अंशु गुप्ता लेफ्ट कॉरपोरेट जॉब इन 1998। तो अंशु गुप्ता ने कॉरपोरेट का जो जॉब था 1998 में छोड़ दिया एंड स्टार्टेड गूंज, और गूंज नामक की जो संस्था थी उन्होंने स्टार्ट कर दिया 1999 में। टू हेल्प, सहायता करने के लिए, क्लॉथ, कपड़ों की, टू अंडर प्रिविलेज, जो दलित लोग हैं उनको कपड़ा पहनाने की सहायता करने के लिए उन्होंने गूंज नामक संस्था का शुरुआत की। एंड क्रिएट अवेयरनेस, और साथ साथ जागरूकता फैलाने के लिए, डैट क्लॉथिंग वाज बेसिक ह्यूमन राइट, की क्लॉथिंग जो कपड़ा होता है बेसिक, जो बुनियादी ह्यूमन राइट है, इस चीज़ को फैलाने के लिए उन्होंने गूंज नामक संस्था स्टार्ट की। इसका पर्पज था कि अंडर प्रिविलेज जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो दलित लोग हैं, उनको कपड़ा दिया जाए, और साथ साथ समाज के अंदर ये फैलाया जाए, ये जागरूकता फैलाया जाए कि जो क्लॉथ है वो बेसिक ह्यूमन राइट्स है। दिस प्रोजेक्ट स्टार्टेड विद 67 आइटम ऑफ क्लॉथिंग। ये जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, ये जो कार्य स्टार्ट हुआ था, 67 आइटम ऑफ क्लॉथिंग, यानी 67 क्लॉथ से स्टार्ट हुआ था, कपड़ों से स्टार्ट हुआ था। टुडे गूज डील विद ओवर 3500 टन्स ऑफ मटेरियल एवरी ईयर। और आज जो गूंज संस्था है वो लगभग 3500 टन्स मटेरियल एवरी ईयर वो बेचता है या सौदाबाजी करता है या लोगों को देता है।
ओवर द ईयर्स वर्षों तक ही हैज़ अर्नड द सोब्रीक्विट ऑफ द क्लॉथिंग मैन. ओवर द ईयर्स वर्षों तक ही हैज़ अर्नड, वर्षों की यानी वर्षों के गुजर जाने के बाद ही हैज़ अर्नड, उन्होंने कमाया सोब्रीक्विट एक नीक नेम ऑफ क्लॉथिंग मैन, यानी क्लॉथिंग मैन के रूप में अब उन्हें जाना जाता है क्योंकि वो लोगों को कपड़ा प्रदान करते हैं. He was awarded Ramon Magsaysay Award in 2015. और उन्हें Ramon Magsaysay Award 2015 में उन्हें सम्मानित किया, यानी कि अंशु गुप्ता को 2015 में Ramon Magsaysay Award से सम्मानित किया गया. Being listed by the Forbes magazine as of India most powerful rural entrepreneur is another feather in the Anshu Gupta cap. और बींग लिस्ट और लिस्ट होने के बाद Forbes मैगजीन, जो Forbes मैगजीन होती है बिजनेस मैगजीन, उसमें इनका नाम आने के बाद, इनका नाम लिस्ट होने के बाद एज वन ऑफ द इंडिया मोस्ट पावरफुल, वन ऑफ द इंडिया भारत के सबसे शक्तिशाली ग्रामीण उद्यमियों में इज अनदर फीदर इन अंशु गुप्ता का. ये दूसरा अंशु गुप्ता की सफलता है, उनकी अचीवमेंट है. पहले अचीवमेंट क्या है, उन्हें Ramon Magsaysay अवार्ड उन्हें मिला है, और साथ साथ दूसरी कि Forbes मैगजीन ने इन्हें भारत का सबसे पावरफुल ग्रामीण विकास का सहयोगी माना है. गूंज वर्क्स टू एम्पावर पीपल इन रूरल एरियाज एंड हेल्प इन प्रोवाइडिंग एजुकेशन हेल्थ एंड फूड एज वेल. गूंज वर्क्स एम्पावर, गूंज काम करता है लोगों के सशक्तिकरण करने में, लोगों को बल देने में. पीपल लोग इन रूरल एरियाज यानी ग्रामीण इलाकों में जो लोग रहते हैं उनको सशक्तिकरण में ही गूंज मदद करता है, और साथ साथ ये हेल्प करता है प्रदान करने में शिक्षा स्वास्थ्य और फूड. अंशु गुप्ता से, अंशु गुप्ता कहते हैं विलेज इन इंडिया हैव लैग्ड बिहाइंड. अंशु गुप्ता कहते हैं जो भारत का जो गांव है बहुत पीछे रह गया है इवन इन द बेयर बेसिक ऑफ लाइफ, यहाँ तक कि जो बेसिक लाइफ बेसिक नीड है उसमें भी जो भारत का जो गाँव है बहुत पीछे है. करेक्टिंग दिस इम्बैलेंस एंड इनक्वलिटी कैन ट्रूली बी कॉल्ड रूरल डेवलपमेंट. करेक्टिंग दिस इम्बैलेंस, ये जो असंतुलन है, ये जो असंतुलन है, ये जो असमानता है, अगर उसको सही तरीके से कैन ट्रूली यानी करेक्टिंग इम्बैलेंस यानी कि जो असमानता, जो असंतुलन है, जो असमानता है उसको सही तरीके से करना ही क्या है, ग्रामीण विकास है, गांव का विकास होता है. यानी कि अगर गांव में इम्बैलेंस है शहर के अपेक्षा, इनइक्वलिटी है, इसको सही करना ही क्या है, रूरल डेवलपमेंट. वास्तव में यही रूरल डेवलपमेंट है, यही ग्रामीण विकास है. यानी शहर के लोगों के पास ज़्यादा पैसा होता है, उनकी ज़्यादा सुविधाएं होती है, गाँव के पास कम होती है. तो गाँव के लोगों के जो इम्बैलेंस है, जो शहर और गाँव में जो इम्बैलेंस आया है, असमानता है, उसको सही करना ही क्या है, ग्रामीण विकास है. यही रूरल डेवलपमेंट, एक्चुअल में यही रूरल डेवलपमेंट कहा जा सकता है. Anshu realized that even the cloth was basic necessities, it was not listed as fundamental requirement on any other development agency agenda. Anshu ने realize किया, अनुभव किया that even though cloth was basic necessity, यहाँ तक कि जो cloth था basic आवश्यकता थी, it was not listed, फिर भी इसे list नहीं किया गया, शामिल नहीं किया गया as a fundamental requirement, एक बुनियादी ज़रूरत के रूप में on any development agency agenda, जो कोई भी विकास का जो एजेंडा है, एजेंसी का एजेंडा है, उसमें इसको शामिल नहीं किया गया. यानी जो क्लॉथ होता है, अंशु गुप्ता रिलाइज के जो क्लॉथ है बेसिक नेसेसिटीज़ है, बेसिक बुनियादी ज़रूरत है लोगों की, फिर भी इसे विकास के एजेंडे में शामिल नहीं किया गया था. Over the years, वर्षों के बाद, वर्षों तक गूंज has gone from recycling old cloth to meeting many other needs of the poor people. गूंज has gone for recycling. गूंज वर्षों तक गूंज ने क्या किया, पुराने कपड़े को रिसाइकिल किया है, ओल्ड क्लॉथ को रिसाइकिल उसे दोबारा सही किया है. टू मीटिंग लोगों को प्रदान करने के लिए मेनी अदर नीड्स ऑफ अदर पीपल, यानी बहुत सारे जो गरीब लोग हैं जिनको आवश्यकता है कपड़ा, उनको देने के लिए उसने क्या कि पुराने कपड़े लेकर रिसाइकिल किया और उनको दिया है. दिस ऑर्गेनाइजेशन रिसाइकल रीयूजेस टन ऑफ वेस्ट मटेरियल प्रोक्योर्ड फ्रॉम द वेरियस सिटीज ऑफ इंडिया. ये जो ऑर्गेनाइजेशन गूंज ऑर्गेनाइजेशन रिसाइकल करती है, रीयूज करती है टन ऑफ वेस्ट, जो टनों ऑफ वेस्ट होता है, ख़राब मटेरियल होता है,
उसको प्राप्त करती है अलग अलग सौरों से, फिर उसको रिसाइकल करती है, फिर उसे रीयूज करती है, गरीब लोगों को बांट देती है। दिस इज वेस्ट मटेरियल बिकम्स रिसोर्स फॉर रूरल डेवलपमेंट। ये जो वेस्ट मटेरियल है यही बन चुका है रिसोर्स, एक साधन बन चुका है ग्रामीण विकास का। ये वेस्ट मटेरियल जो घरों में जो पुराने कपड़े होते हैं वो लोग क्या करते हैं, इनको दे देते हैं, इस संस्था को दे देते हैं, और ये संस्था क्या रिसाइकल करती है और ये गरीब लोगों को देती है। इस तरह से क्या हुआ, दिस वेस्ट मटेरियल बिकम्स जो बन जाता है रिसोर्स, एक साधन फॉर रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास का एक साधन बन जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ गूंज अंशु ट्रेवल टू रिमोट विलेज इन वीआर। ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ गूंज, जब गूंज की जो शुरुआती दिन थे तो अंशु गुप्ता ने ट्रेवल किया, यात्रा किया था रिमोट विलेज इन वीआर, बिहार के सुदूर गांवों का दौरा किया था, उसकी यात्रा किया था। वाट हिस्सा, क्या जो उन्होंने देखा, देयर शॉक्ड हिम इन द कोर टू द कोर, जो उन्होंने गांव में देखा उन्होंने दिल से यानी अंदर से पूरी तरह से हिला के रख दिया। तो जो गूंज की शुरुआती दिनों में अंशु गुप्ता ने बिहार के सुदूर ग्रामीण इलाकों का दौरा किया, यात्रा किया, और जो कुछ गांव में देखा उसी ने उनको अंदर से हिला दिया, झंझोर दिया। हिस्सा पीपल बाइंग ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग द छठ पूजा, उन्होंने देखा कि जो लोग थे वो छठ पूजा के दौरान कपड़ा खरीदते थे। विलेजर वुड बाई क्लॉथ दे लाइक्ड फ्रॉम द ट्रेडर्स, जो गांव वाले होते थे कपड़ा खरीदते थे, जो पसंद करते थे ट्रेडर से, व्यापारियों से, एंड पे बैक द अमाउंट इन द 3 ईयर्स, और पैसा 3 सालों में वापस करते थे। वेरी ऑफन दीज विलेजर्स कुड नॉट पे बैक अमाउंट एंड वर फोर्स्ड इनटू बॉन्ड लेबर बाय द ट्रेडर्स। वेरी ऑफन उन्होंने अक्सर दीज विलेजर्स, ये जो गांव वाले थे, कुड नॉट पे बैक द अमाउंट, वापस पैसा नहीं पे कर सकते थे। वेरी ऑफन दीज विलेजर्स, यानी अक्सर जो गांव वाले थे ये वापस पैसा उन ट्रेडर्स को नहीं कर पाते थे। वर फोर्स इनटू बॉन्ड लेबर, उन्हें बंधुआ मजदूरी करने के लिए ट्रेडर्स के द्वारा मजबूर कर दिया जाता था। इट वॉज वेरी शॉकिंग, ये बहुत हिला देने वाला था, टू फाइंड और पता लगा कर डैट पीपल कुड बिकम बॉन्ड लेबरर्स फॉर द क्लॉथ। ये जानकर उन्हें बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगा कि जो लोग थे वो कपड़े के लिए बधुआ मजदूर बन गए थे। ये जानकर उन्हें बहुत ज़्यादा शौक लगा। इन दिस डे एंड एज, यानी इस एज में वो बधुआ मजदूर बन गए थे कपड़े के लिए, कपड़ा खरीदने के लिए। गूंज डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट क्लॉथ बिफोर द फेस्टिवल डैट ईयर, तो गूंज ने फैसला किया कि उस साल फेस्टिवल शुरू होने से पहले क्या करें, कपड़ा लोगों, गरीब लोगों कपड़ा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बांटेंगे। द विलेजर डिड नॉट हैव टू बाई क्लॉथ एंड केम आउट ऑफ विशियस साइकिल, अब गांव वालों को कपड़ा नहीं खरीदना पड़ता था ट्रेडर से, व्यापारियों से, और इस तरह से जो एक सतुर, एक बहुत ही एक तरह से क्रिमिनलाइज जो साइकिल ऑफ ऑपरेशन था उससे वो बाहर निकल गए। वीसीएस मतलब बहुत शातिर होता है, बहुत ख़राब होता है, इस साइकिल जो ऑपरेशन का, जो उत्पीड़न का जो साइकिल था, जो ट्रेडर कर रहे थे, उस साइकिल से बाहर निकल आए, क्योंकि इस संस्था ने क्या किया, छठ पूजा स्टार्ट होने से पहले गरीब लोगों को क्या कर दिया, कपड़ा बांट दिया। द ऑर्गेनाइजेशन गेट्स अ लॉट ऑफ डिस्कॉर्डेड क्लॉथ्स एंड शूज एज चैरिटी, जो ऑर्गेनाइजेशन यानी जो गूंज ऑर्गेनाइजेशन है, ये संस्था है, गिफ्ट्स मतलब प्राप्त करती है बहुत सारा डिस्कार्डेड मतलब छुड़ा हुआ कपड़ा, और सूज दान के रूप में, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है इनका गूंज, वो बहुत सारे कपड़ा उसे मिलता है, छुड़ा हुआ कपड़ा, पहना हुआ कपड़ा, और सूज चैरिटी के रूप में, दान के रूप में। इन एन इंटरव्यू, और एक इंटरव्यू में अंशु गुप्ता ने कमेंट किया, टिप्पणी की ऑन थॉटलेस ऑफ द पीपल, लोगों के विचारहीनता पे, रिमार्क उन्होंने टिप्पणी की डैट दे रिसीव थाउजेंड्स ऑफ शूज बट नॉट इन पेयर, वह हजारों शूज उन्हें मिलता है लेकिन पेयर्स में नहीं मिलता है, यानी लोग तो शूज देते हैं, पुरानी चीज़ें दे देते हैं लेकिन वो पेयर्स में नहीं देते हैं। पीपल डू नॉट सीम टू कंसिडर डैट पेयर ऑफ शूज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू फॉर हेल्प टू समवन, पीपल डू नॉट सीम्ड, लोगों को नहीं प्रतीत होता है टू कंसिडर, पीपल डू नॉट सीम टू कंसिडर, लोग इस पर विचार नहीं करते हैं, ऐसा लगता है लोग इस पर विचार नहीं करते हैं। ए पेयर ऑफ शूज, एक पेयर जो शूज है उसकी ज़रूरत होती है
ज़रूरत होती है फॉर टू बी हेल्पफुल समवन, किसी की सहायता करने के लिए। अ सीजबल चंक ऑफ द मटेरियल, और एक सीजबल चंक यानी एक छोटा एक बहुत बड़ा चंक ऑफ दिस मटेरियल, जो वेस्ट मटेरियल होता है, डैट कम्स देम इज यूजलेस, यानी जो लोग सूज देते हैं, कपड़े देते हैं, तो ये सारे क्या होता है, अधिकतर क्या होता है, यूजलेस होता है। यानी जो लोग पब्लिक इन्हें सूज डोनेट करती है, अधिकतर चीज़ें इसका बहुत बड़ा भाग यूजलेस होता है, बेकार होता है। गूज इज रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज एक्ट हैज ऑफिसेस ऑल ओवर इंडिया। तो गूड जो गूंज संस्था इज रजिस्टर्ड है अंडर सोसाइटीज एक्ट के अंदर। अंडर सोसाइटीज एक संस्था है, ये एक्ट है, उसके अंदर ये गूंज जो संस्था है वो रजिस्टर्ड है। हैज़ ऑफिसेस ऑल ओवर इंडिया, और इसका जो ऑफिस है पूरे भारत में। दिस ऑर्गेनाइजेशन इन्वाइट दोज पीपल टू वर्क फॉर देम हु हैव राइट एटीट्यूड, और ये संस्था उन लोगों को काम करने के लिए अपने लिए बुलाती है जो जिनके अंदर राइट एटीट्यूड होता है, राइट एक रवैया होता है, एटीट्यूड होता है, पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, उन लोगों को काम करने के लिए ये संस्था रखती है। दे डू नॉट सी क्वालिफिकेशन, ये लोग क्वालिफिकेशन की डिमांड नहीं करते, आर एक्सपर्टाइज या अनुभव की, मेहनत वाले अनुभव की भी डिमांड नहीं करते। यानी कि ये जो संस्था है ये उन लोगों को काम के लिए रखती है जिनके अंदर राइट एटीट्यूड होता है, और साथ साथ भले ही उनके पास क्वालिफिकेशन नहीं होता, ये क्वालिफिकेशन की डिमांड नहीं करते, अनुभव की डिमांड नहीं करते। दे आल्सो इन्वाइट पीपल टू डोनेट एनीथिंग विच इज़ नॉट बींग यूज इन पीपल्स होम्स और ऑफिस, साथ साथ ये लोगों को आमंत्रित करते हैं कि आप लोग वो सारी चीज़ें डोनेट कर दिए, दान कर दीजिए जो आपके घरों में यूज नहीं किया जा रहा है, आपके ऑफिस में यूज नहीं किया जा रहा, यूजलेस है, उसको आप डोनेट कर दीजिए। दे एक्सेप्ट क्लॉथ, हाउस होल्ड आइटम्स, स्टेशनरी, फर्नीचर, मेडिसिन एंड राशन, ये लोग एक्सेप्ट करते हैं, यानी डोनेशन के रूप में एक्सेप्ट करते हैं कपड़े, घरेलू सामान जैसे स्टेशनरी सामान हो गया, फर्नीचर हो गया, मेडिसिन हो गया और राशन। दीज मटेरियल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू विलेजेस, और ये जो मटेरियल्स है, सामान है, वो कहाँ भेजा जाता है, गाँव में भेजा जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। एवरी ईयर गूंज वर्क्स ऑन नियरली 10,000 प्रोजेक्ट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर सैनिटाइजेशन एंड वाटर कंजर्वेशन विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ रूरल कम्युनिटीज़। एवरी ईयर यानी प्रत्येक साल जो गूंज काम करता है लगभग 10,000 प्रोजेक्ट पे, इंफ्रास्ट्रक्चर जो विकास का जो प्रोजेक्ट होता है उस पर काम करता है, सैनिटाइजेशन पे काम करता है, वाटर पे काम करता है, वाटर कंजर्वेशन पे। साथ साथ इसमें क्या होता है, जो लोग जो ग्रामीण जो लोग होते हैं, ग्रामीण समुदाय के लोग इसमें शामिल होते हैं इन सारे प्रोजेक्ट में। इन द रिटर्न बदले में द विलेजर्स गेट क्लॉथ, और बदले में जो विलेजर इसमें काम करते हैं तो उन्हें कपड़े मिलता है, कपड़ा मिलता है, सैनिटरी मिलता है, रोशन मिलता है, अदर थिंग्स मिलता है, और दूसरी चीज़ें मिलती हैं डैट दे रिक्वायर, जो उनकी ज़रूरत होती है। दीज मटेरियल्स आर लाइक पैरेलल करेंसी, ये जो मटेरियल है लगभग करेंसी के समान है, आप काम कीजिए, ग्रामीण क्षेत्रों में ये इनकी संस्था काम करती है और लोग इसमें स्वभागता काम करते हैं, और बदले में उन्हें क्या मिलता है, उनको कपड़ा मिलता है, राशन मिलता है, जो उनकी ज़रूरत होती है, ये एक करेंसी की तरह काम करता है, शॉपिंग करेंसी की तरह ये काम करता है। गूंज वर्क्स ऑन ब्रिंगिंग द ह्यूज गैप ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज बिटवीन अर्बन एंड रूरल इंडिया, गूंज काम करता है ब्रिंगिंग ह्यूज गैप, ब्रिजिंग ह्यूज गैप ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज बिटवीन अर्बन एंड रूरल, जो गूंज संस्था है एक ब्रिज की तरह काम करता है, जो बहुत बड़ा गैप है आर्थिक असमानता का, शहर और देहात में, भारत के शहर और देहात में जो आर्थिक असमानता का जो बहुत बड़ा गैप है, उसमें एक पुल की तरह जो ये संस्था है गूंज वो काम करता है। इन द प्रोसेस में द ऑर्गेनाइजेशन फोकस ऑन मेंटेनिंग डिग्निटी ऑफ द रिसीवर, और इस प्रोसेस में ये जो ऑर्गेनाइजेशन है रिसीव करने वाले की डिग्निटी, उनकी गरिमा, उनके सम्मान का, ठीक है। इन दिस ऑर्गेनाइजेशन फोकस ऑन द मेंटेनिंग द डिग्निटी एंड ऑफ द रिसीवर, रिसीवर के डिग्निटी का सम्मान करता है, यानी जो लोग इस संस्था से कुछ पाते हैं तो उनका नाम डिस्क्लोज नहीं करता, उनका आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करता है। अकॉर्डिंग टू अंशु गुप्ता के अनुसार द बिगेस्ट चैलेंज डैट ही हैज फेस्ड टू ब्रिंग चेंज इन द माइंडसेट ऑफ द पीपल, तो अंशु गुप्ता के अनुसार सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ी चुनौती वो फेस किए हैं लोगों की जो माइंडसेट है उसको बदलने में,
ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 ईयर्स यानी 5 सालों के दौरान, फर्स्ट 5 ईयर्स के दौरान गूंज ऑपरेटेड विदाउट एनी मेजर सपोर्ट ऑफ फंडिंग। गूंज ने बिना सपोर्ट ऑफ फंडिंग यानी कोई भी फंडिंग के सपोर्ट के ये काम किया। हाउएवर एट प्रेजेंट गूंज है टर्न ओवर अराउंड 4 करोड़ रुपये, लेकिन आज इस जो गूंज का जो टर्न ओवर है सालाना 4 करोड़ रुपये है। हाफ ऑफ दिस अमाउंट कम फ्रॉम द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, और आधा जो अमाउंट होता है व्यक्तिगत कंट्रीब्यूशन दान से आता है। रिफ्लेक्टिंग ये चीज़ दिखाता है स्ट्रांग बेस ऑफ कंट्रीब्यूटर की, लोगों के अंदर कितना कंट्रीब्यूशन करने का जज्बा है। रिफ्लेक्टिंग स्ट्रांग बेस ऑफ कंट्रीब्यूटर की, कंट्रीब्यूटर का कितना योगदान है। अनदर इंसिडेंट मेड द गूंज टीम रियलाइज दैट रिक्वायरमेंट ऑफ पीपल इन डिफरेंट लोकेशन एंड कम्युनिटीज हैव टू बी जज फ्रॉम देयर अंडरस्टैंडिंग एंड परस्पेक्टिव। अनदर इंसिडेंट, और दूसरी घटना मेड गूंज, जो गूंज टीम को रियलाइज किया दैट रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल यानी लोगों की जो जरूरत होती है डिफरेंट लोकेशन में एंड कम्युनिटीज़ में हैव टू बी जज, वो जज किया जाना चाहिए फ्राम देयर अंडरस्टैंडिंग एंड परस्पेक्टिव, उनके नज़रिए से उनके समझ के अनुसार उसको जज करना चाहिए। इन 2016 द गूंज टीम हैड विजिटेड द विलेज ऑफ चिरिकड़ी किटोर नमन इन द जम्मू कश्मीर एज अ पार्ट ऑफ फ्लैगशिप, ठीक है। इन 2016 यानी कि जो 2016 में जो गूंज टीम थी वो विजिट किया था जो गांव है चिरडी और खितर नमान जम्मू कश्मीर के जो गांव थे वो रूरल डेवलपमेंट के विकास के रूप में उन्होंने विजिट किया था। क्लॉथ फॉर वर्क इनिशिएटिव के नाम पे उन्होंने इस गांव को विजिट किया। द टीम ट्रैक्ड थ्रू द स्टीप 8 किलोमीटर पार्ट टू रीच द विलेज, इस टीम ने ट्रैक किया चला था थ्रू अ स्टीप एक पतली मतलब ऊंचाई वाली धार से 8 किलोमीटर रीच द विलेज यानी गांव पहुंचने के लिए जो पहाड़ी जो रास्ता होता है वो 8 किलोमीटर जो ऊपरी जो रास्ता था उसको उन्होंने तय किया था। इट वॉज डिफ़िकल्ट, ये बहुत ही मुश्किल था टू रीजन टू एक्सेस यानी इस क्षेत्र में पहुंचना बहुत मुश्किल काम था। विद द विलेजेस लोकेटेड एन एल्टीट्यूड ऑफ अप्रॉक्सीमेट 7,000 feet ऑफ सब्जेक्ट एक्सट्रीम कोल्ड एंड वेदर फॉर लार्ज पार्ट्स ऑफ द ईयर, ये जो गांव था वो लगभग 7,000 feet की चोटी पे था। ये जो जम्मू कश्मीर का ये जो गांव था धरातल से 7,000 की चोटी ऊंचाई की चोटी पे था और साथ साथ यहाँ पे बहुत ही ठंड वाली वेदर हमेशा साल में रहता था। दे आल्सो लैक्ड बेसिक फैसिलिटी, इसलिए गांव वालों के पास बेसिक फैसिलिटी की कमी थी लाइक इलेक्ट्रिसिटी यानी यहाँ गांव वालों की इलेक्ट्रिसिटी कमी थी, रोड्स की कमी थी। द गूंज टीम वाज अंडर द इम्प्रेशन, गूंज टीम इस इम्प्रेशन में था दैट विलेजर्स वुड आस्क फॉर द रोड, कि गांव वाले रोड की बात करेंगे। दे वेयर सरप्राइज, लेकिन ये लोग गूंज के जो टीम वाले थे वो सरप्राइज हो गए व्हेन दे सेड, जब गांव वालों ने कहा दे वांटेड एन आंकड़ा इंस्टीट कि वो रोड के बजाय आंकड़ा चाहते हैं। जब जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट के लिए जब संस्था गई गूंज संस्था तो ये एक रास्ता था बहुत ही पतला रास्ता था और साथ साथ इनका जो गांव था 7,000 feet ऊपर था और साथ साथ यहाँ पे मौसम हमेशा कोल्ड रहता एक्सट्रीम कोल्ड वेदर रहता था। तो पहुँचने के बाद से गूंज वालों को रियलाइज हुआ गांव वाले क्या करें रोड की डिमांड करें क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी रोड्स नहीं थे, लेकिन वो लोग सरप्राइज हो गए जब गांव वालों ने आंकड़ा की डिमांड की रेसलिंग फील्ड की जब डिमांड की तो ये लोग गूंज संस्था के लोग सरप्राइज हो गए। व्हाट वाज द पर्पज ऑफ रेसलिंग ग्राउंड फॉर द विलेज, गांव में रेसलिंग ग्राउंड या आंकड़ा का क्या पर्पज है क्या उद्देश्य है क्या उद्देश्य था। दैट डिड नॉट इवन हैव अ प्रॉपर अप्रोच, हो जहाँ पे एक सही रोड नहीं था उस जगह पे एक आंकड़े का क्या मकसद था। दे वर कन्फ्यूज, वे लोग कन्फ्यूज हो गए। द विलेजर क्लेरिफाइड, लेकिन गांव वालों ने इस चीज़ को बतलाया क्लेरिफाई किया। और बॉयज स्पेंड द एंटायर डे सिटिंग आइडल हियर, हमारे जो लड़के हैं यहाँ बेकार में अपना समय व्यतीत करते हैं। दे आर नॉट एबल टू कम्पीट इन द रेसलिंग, दे आर नॉट एबल टू कम्पीट इन रेसलिंग, वो रेसलिंग में कम्पीट करने में अयोग्य नहीं है। इन द कंपटीशन डैट हैपन इन द वैली, जो कि घाटी में होता है उस कंपटीशन में भाग लेने योग्य नहीं है। दंगल रेसलिंग इज द ओनली लो कास्ट अवेलेबल स्पोर्ट्स
एंड सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट इन दिस विलेज। तो दंगल एक छोटा सा अवेलेबल स्पोर्ट्स है और सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट मनोरंजन का एक साधन इन गाँव में। इट इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट और साथ ही भी महत्वपूर्ण है ट्रेडिशन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रेडिशन है अमंग द लोकल्स गैडी कम्युनिटीज़ के बीच में, ये बहुत ही फेमस ट्रेडिशन है परंपरा है। ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ सिंजी फेस्टिवल के दौरान इन जून एवरी ईयर, जो कि जून में आयोजित किया जाता है। द रोड वॉज नॉट अर्जेंट इशू, जो रोड था वो अर्जेंट इशू नहीं था, आवश्यक इशू नहीं था, बिकॉज द कम्युनिटी हैड ग्रोन अप द हिल्स, क्योंकि जो समुदाय था वो पहाड़ियों पर बड़ा हुआ था। न्यू हाउ टू नेविगेट द ट्रेन, और साथ साथ उन्हें पता था कैसे रास्ते पता करना, आगे रास्ता कैसे जाना, ये सब कुछ उन्हें पता था, इसलिए वो रेसलिंग कंपाउंड की रेसलिंग फील्ड की डिमांड कर रहे थे, न कि सड़क की। इवेंचुअली द विलेजर पिक्ड अ स्पॉट इन, इवेंचुअली मैंने आखिरकार जो गांव वाले थे पिक्ड अप, उन्होंने उठाया स्पॉट इन जगह को, चिड़ी विलेज वेयर दे हैड बेसिक ओपन ग्राउंड, जहाँ पर उन्होंने क्या किया, हमें एक वो बेसिक एक ग्राउंड ओपन किया। विद अ ग्रेट शो ऑफ एफर्ट, बड़े एफर्ट के साथ एंड इंथुजियास्म जोश के साथ, फॉर मेनी डेज, कई दिनों के लिए, एंड दे बिल्ट, और उन्होंने बनाया रेसलिंग स्पेस अलॉन्ग विद द पोडियम, रेसलिंग स्पेस बनाया और साथ पोडियम बनाए, एंड सीटिंग एरिया फॉर द ऑडियंस, और साथ ऑडियंस के लिए सीटिंग एरिया भी बनाए जो दर्शक थे। द टीम विटनेस द पीपल एग्जर्बेशन ड्यूरिंग दैट ईयर्स सियांजी, जो टीम थी, जो गूंज की टीम थी, वो लोगों की जो उत्सुकता थी उसको ऑब्जर्व किया, उसके साक्षी रहे, जो कि सीएनजी फेस्टिवल में हुआ था। द प्रोफेशनल इन द डेवलपमेंट सेक्टर सम टाइम टेन टू फोकस ऑन व्हाट पीपल नीड, जो प्रोफेशनल हैं इस संस्था के जो प्रोफेशनल हैं वो इन द डेवलपमेंट सेक्टर, वो विकास के सेक्टर में कभी कभी क्या करते हैं, टेंडेड वो टेंडेड टू फोकस, उन चीज़ों को फोकस करने की कोशिश करते हैं जो लोगों की ज़रूरत होती है, वर्सेस वार देवान, जो इसकी अपेक्षा वो क्या चाहते हैं, यानी जो प्रोफेशनल हैं, जो इस गूंज संस्था के जो प्रोफेशनल हैं विकास के संस्था में, कभी कभी लोगों के जो इरादे होते हैं उस पर फोकस करते हैं, ना कि उनकी ज़रूरत की, यानी वो क्या चाहते हैं उस पर फोकस, ना कि उनकी क्या ज़रूरत है। दिस एक्सपीरियंस वॉज रीअफर्मेशन, ये जो एक्सपीरियंस था, ये जो अनुभव था, बहुत ही अफर्मेशन था, मतलब दोबारा जोर देख करने वाला था, ऑफ द आइडिया डैट डेवलपमेंट एजेंसी शुड प्रायोरिटी, कि डेवलपमेंट एजेंसी को प्रायोरिटी देना चाहिए, प्राथमिकता देना चाहिए, प्रस्पेक्टिव ऑफ कम्युनिटीज़, लोगों के दृष्टिकोण पे की प्रायोरिटी देना चाहिए, लोगों के जो सोच है उस पर वो लोगों को क्या करना चाहिए, प्रायोरिटी देना चाहिए, दे वर्क विद, और साथ साथ उनके साथ काम करना चाहिए, ठीक है। तो वन सेकेंड यू हैव टू सी ऑफ द आइडिया डैट डेवलपमेंट एजेंसी, जो विकास की जो एजेंसियाँ हैं, शुड प्रायोरिटाइज, प्राथमिकता देना चाहिए, प्रस्पेक्टिव ऑफ द कम्युनिटीज़, समुदाय के दृष्टिकोण से दे वर्क विद, जिसके साथ वो काम करते हैं। तो इस तरह से जो आपका चैप्टर होता है